रिचार्ज मंत्रा रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, रिपब्लिक डे आजादी वाला दिन है या 15 अगस्त वाला आजादी का दिन है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी बोल देते हैं। बट आई डोंट रियली कम्प्लीटली ब्लेम देम, आई टेल यू हाउ। क्योंकि रिपब्लिक डे पे ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान हमारा संगठित हुआ था, लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ, क्यों इफेक्टिव हुआ, इसके पीछे हिस्ट्री में ही एक लॉजिक है। मतलब ये 24 जनवरी को हो सकता था, 28 जनवरी को हो सकता था, 2 फरवरी को हो सकता था, एनी रैंडम डे। बट व्हाई 26 जनवरी? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज हमें मिला था। इट वॉज द एनिवर्सरी डे ऑफ पूर्ण स्वराज डे, और पूर्ण स्वराज की मीनिंग होती है पूरी तरह से हमारा राज। ओके, तो आजादी दिवस कहना उसको पूरी तरह से गलत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अ लिटिल बिट। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर भारतीय सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को पूरी पावर है, पूरी ताकत है अपनी सरकार चुनने की। सो इन दैट रिस्पेक्ट रिपब्लिक डे इज अ लिटिल बिट more impactful than the Independence Day. आजादी तो मिल गई, लेकिन उस आजादी का आपने किया क्या? उस स्वतंत्रता का उपयोग कैसे किया? So, this is what I want to say to you. तो आजादी से बगैर प्रेशर के, बिना मैनिपुलेशन के अपनी choices को अहमियत दो। फिर चाहे सरकार चुननी हो या खुद के लिए पार्टनर, नौकरी चुननी हो या फिर कोई खाने की चीज, या तो आज का मंत्रा यही है, रिचार्ज मंत्रा यही है इंडिपेंडेंस का फुल इस्तेमाल करना है बिना किसी को फिजिकली या फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाए। अब आप कहेंगे फिजिकली फाइनेंशियली बोल दिया इसने, इमोशनली क्यों नहीं बोला? देखो यार, ऐसा है, जो आजाद रहता है ना, जो अपनी आजादी का इस्तेमाल करता है, उससे ना बहुतों की जलती है, तो वो इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं, इमोशनली हर्ट हो रहे हैं तो हुआ करें। सो वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। और हाँ, जिस आजादी से ये वीडियो देख रहे हो ना, उसी आजादी से सब्सक्राइब भी कर लेना है और शेयर भी कर लेना है। अच्छी अच्छी बातें तो फैलानी चाहिए ना यार।